फ्रेंड्स थोड़ा फ्यूचर का सोचिए। वो बहुत दिन बाद आया है वीडियो, और वैसे थोड़ा तो फ्यूचर के बारे में कुछ सोचिए। आपके पास सोलर पैनल नहीं है, डायनामो नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे जब डिजास्टर आएंगे? हाँ, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है आज? हमें वही तो बनाना है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला। अगर आपके पास सोलर पैनल है, अच्छा कोई बात नहीं, एक बैटरी को चार्ज कर लीजिए, फिर इसे यूज कीजिए रात को। लेकिन अगर वो ना हो, फिर डायनामो भी ना हो, तो आप क्या करेंगे? डायनामो तो वैसे किसी के पास भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक बाइक है, ये पेडल बाइक है, ये बहुत ही पुराना है, अभी नहीं चलता है, और इसका एक पहिया भी इधर नहीं है। इसका एक पहिया जो है वो मैंने रख दिया है खोलकर। और अभी हमें क्या करना है, हमारा जो चार्जर है, सबसे पहले तो हमारा चार्जर लेना है। और फ्रेंड्स, ये हमारा गियर है, यार सब गिर गया। हाँ, उसका गियर है जो इसको इसके पहिया को धीरे घुमाने की वो हेल्प करता है, ताकि बच्चा गिर ना जाए। तो हम क्या करेंगे आज, उसे ही लगा देंगे, और उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करेंगे, खेलेंगे भी। खेलेंगे भी, तो पहले हम खेलेंगे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। सबसे पहले लगाना शुरू करते हैं। माना ये है, इसमें जो पहला वाला आप देख रहे हैं इधर होगा, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सारे आपके सामने जोड़कर ही दिखाता हूँ। यार गियर बहुत ही बड़े बड़े हैं, वैसे गियर का साइज तो देखिए। और ये सबसे बड़ा है, राजा 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 बजाएगा सबका बाजा। ओ भाई स्क्रू ढीला है। हाँ, ये आपका, और इसका जो इधर वाला है बिल्कुल फर्स्ट वाला, इसमें ये जाएगा, ये वाला। और हमारा सेकंड वाला जो है इसमें ऐसा जाएगा, लेकिन हमारा जो सेकंड वाला है उसमें कुछ तो ट्विस्ट है फ्रेंड्स। ये अब अगर हम सेकंड वाले को लगा दे तो क्या होगा कि हमारा थर्ड वाला नहीं लग पाएगा, और अगर हम थर्ड वाले को लगा दे तो क्या होगा कि हमारा सेकंड वाला नहीं लग पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं फ्रेंड्स, कुछ तो है ऐसा। आपको क्या करना है, ऐसे घुसा देना, ये जुगाड़ है, ऐसे आपको घुसा देना है इसके, ऐसे फिर आपको ऐसे बिठा देना है, बस हो गया। ये देखिए हो गया। अरे अब देखिए सारे ये घूम रहे हैं, सारे मोटर्स, और इधर से आपको मोटर लगाना है। ये वैसे मोटर नहीं है, गियर है, और ये हमारा RS380 वाला मोटर है। मैं बताता हूँ ये मैंने बाइक क्यों खोला है। अब इसका जो बैटरी है वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि वो खराब हो गया। और चलते टाइम क्या होता था कि ये मोटर कुछ, मैं बड़ा हो गया था, 8 साल का हो गया था, तब भी ये मुझे खींचता था, इसलिए मोटर थोड़ा सा खराब हो चुका है। मतलब कि एकदम एक झटके में ये नहीं चलता है, आपको थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ता है फिर ये चलेगा। ये थोड़ा सा जाम हो चुका है, इसलिए मैंने इसे खोल रखा है, और इसका सर्किट भी मैंने रख दिया है फ्यूचर के लिए। फ्रेंड्स कुछ फ्यूचर का तो सोच लीजिए, वरना क्या क्या हो जाएगा। हाँ अब ठीक है। और फ्रेंड्स हमें क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर लेना है आपको। ये रहा हमारा स्क्रू ड्राइवर, इसमें आपको छोटा वाला प्लस चिपकाना है, छोटा ये बड़ा भी हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इधर कुछ स्क्रू है दो, इनको लगा देना है। अरे ठीक से लग जा भाई, ठीक से। हाँ, घूमने में ठीक है। तो अभी हमें शायद पिंजरे में ठीक से नहीं लगे, मैं स्क्रूज को अच्छे से खोलना पड़ेगा, फिर इसको पिंजरे में लगाना पड़ेगा, फिर जो करना है वो। अरे यार खुल जा सिम सिम खुल जा। अरे गियर तू मत खोल। ओ भाई नहीं खुल रहा, क्या करे भाई, दिमाग खराब हो चुका है। यार ठीक से लगाना पड़ेगा, वरना
वरना कहीं ब्रेकअप ना हो जाए। ये ऐसे होता है तो ये भी ऐसे ही होता है, तो हमें ऐसे करके फिर लगाए तो ठीक है, लग चुका है। तो फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल बन चुका है, अब देखते हैं इसको लगते हैं या नहीं वरना पीटेंगे। हाँ नहीं लग रहे, तो अभी हमें पीटना पड़ेगा। पीट पीट पीट। अच्छा इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही काम चला लेते हैं किसी तरह। हाँ भाई अब लग चुके, वाह वाह क्या बात है। हाँ वाह भाई अब लगे, वाह वाह क्या बात है। जब मैंने बोला मत लगाओ तभी लग चुका, और जब मैंने बोला लगाओ तभी लग ही नहीं रहा यार। हाँ तो हमारे स्क्रूज लग चुके हैं और हमारा मोटर भी अब सही है। और देखिए यार ऐसे घुमाना तो बिल्कुल मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, कोई अमीर दिल है। ओ हाँ आप ठीक है, तो पहले इसे इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, आपको दिखाते हैं। यार थोड़ा इधर आना पड़ेगा। अरे तू तू इधर क्या कर रहा है, तू तो मेरे साथ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, पहले हमने जुगाड़ कर रखा है, हमने क्या किया है वहां जो नोकिया का चार्जर है पोर्ट जैसा होता है, हमने वैसे ही इसको बना लिया है, इस तार को बिल्कुल गोल जैसा। फिर हम इसको पोर्ट की तरफ चिपका देंगे, फिर हमारा व्हाइट वाला तार जो है एक होल होता है उसमें चिपकाएंगे। बिल्कुल सही जुगाड़ है, और ये मैं सारे हिंदुस्तान वालों को दिखाना चाहता हूँ। लग गई, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें मोटर को लगवाना है। तुम्हें मोटर अरे क्या है, ये क्या तमाशा है, मेरी कुंडली बजा दिया इसने, क्या की कुंडली बजा दी, वाह वाह आग लग चुका है। और उसको भी सीधा करके फिर इसमें लगा देते हैं, ना लगेगा नहीं, हमें इसको राउंड मार के फिर लगाना पड़ेगा RPM। ओ भाई मोटर एक झटके में नहीं चल रहा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मोटर एक झटके में चल जाता है, ये शायद खराब हो चुका है मोटर, उसका जो कोयल है वो शायद उससे कुछ हुआ है। घूमना तो सही है, और इसे इसको स्लो बनाता है, आप देख सकते हैं कैसे स्लो बना है स्लो बना फिर रहा है। और इसमें पहिया लगता है जो आप देख सकते हैं डिजाइन ये वाला, ये वाला इसमें पहिया लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स ये झटके में नहीं घूमता है, आप देख सकते हैं मैंने इसको रोक दिया, आप देखिए ये देखिए मैंने फेक नहीं किया, आप देखिए क्या मेरे पीछे भी कोई नहीं है। हाँ वाह भाई तो पीछे तो कोई नहीं है, ये वैसे ही रुकता क्यों जा रहा है। अच्छा तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फैन है इसे हम करेंगे चलतू चलतू। सबसे पहले हम तार में प्लस माइनस जोड़ लेते हैं, और ये वैसे कोई भी नया धमाका नहीं है, ये सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है। हाँ तो लाल वाला तार इसमें ग्राउंड में चिपका देते हैं, पता नहीं अब क्या क्या हो जाएगा, और अगर प्लस माइनस सही नहीं हुआ सच्ची तार काट दूंगा। तार काट के क्या फायदा, हमें तो सिर्फ लेना देना है इससे जो कि हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में है। और ये जो फैन है ये डीसी फैन है, कोई कच्चा फैन नहीं है,
तो अभी हमें क्या करना है? बिल्कुल प्रूफ है जी, 100% प्रूफ है। आप यहाँ से ही पंखा देख सकते हैं। ओ भाई ये क्या, आप शायद पंखे को देख सकते हैं। चल चुका है, देख सकते हैं कोई भी फेक वीडियो नहीं है, तार भी इधर ही लटका हुआ है। अब देख सकते हैं मैंने तार को आपके सामने रखा है। ये हमारा तार है 2 पॉइंट से, देखिए। यार बहुत मेहनत वाला काम है, और मैं अभी रोक देता हूँ। देखिए ये भी रुक चुका है, थोड़ा सा घुमा, मैंने भी थोड़ा सा घुमाया। सच्ची कह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा और करंट पा जाता तो ये लाइट भी जलता, ये वाला एक पीछे भी रेड लाइट है वो भी जलता। यार सच्ची बता रहा हूँ, इसलिए ये करंट कम आ रहा है, इसलिए ये लाइट जो ये नहीं जल रहा, और ये फैन थोड़ा थोड़ा चल रहा है। लेकिन सच्ची कह रहा हूँ यार, ये लाइट नहीं जल रहा, वरना मैंने इस लाइट को जला रखा है। थोड़ा थोड़ा सा स्पार्क जरूर कर रहा है। वाह भाई रुक गया, ये वाला रेड लाइट भी जलता है, लेकिन ये रेड लाइट भी नहीं जल रहा। रेड लाइट थोड़ा थोड़ा जल रहा, पूरा नहीं जल रहा। फ्रेंड्स एक बात जरूर है, ये 6 वोल्ट का मोटर है, इसमें 12 वोल्ट का मोटर है भाई, ऐसा ही हजम नहीं हुआ। थोड़ा सा करंट देगी तो ये खराब हो सकता है, इसलिए गियर को कह रहे। हो गया, बहुत मेहनत हो गई आज। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ, चल तो रहा है। इसे क्या हो गया, इसका जाम क्यों चल रहा है? फ्रेंड्स हो गया काम। ओ भाई मोटर जाम हो गया, ये मोटर भी फिर खराब है। निकला तो सिर्फ तार है, मैं उतना क्यों डर रहा हूँ? फिर से तार लगाना पड़ेगा यार। भाई बचपन से जुगाड़ करते आ रहे आप, मुझे क्या समझ गए? पिघल गया प्लास्टिक, वाह भाई वाह। वैसे प्लास्टिक में रबर का बना है। क्या बात हुई,